Srushti Bhatt, and welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about the study of taxonomy. Okay, in this video lecture, we are talking about that the different types of topic. हम बात करने वाले हैं the difference between टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. ओके, कि ये इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर के थ्रू. ओके, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनिमल सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी. ओके, तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है एनिमल सिस्टमैटिक्स और डाइवर्सिटी के रिलेटेड, उस सीरीज़ लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा द बेसिक टॉपिक द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लास 10 बायोलॉजी स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट बीएससी स्टूडेंट्स as well as MSc students of the zoology and the botany. तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम दिया है. मैं जस्ट आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिकल जो ग्रुप होता है जिसे कहा जाता है किंगडम, और द स्मॉलेस्ट सब यूनिट होता है टैक्सोनॉमी का उसे कहा जाता है स्पीसीज. ओके, तो किंगडम से लेकर हम स्पीसीज तक जो भी स्टडी करते हैं उस सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है, ओके, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, इस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं. ओके, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के बीच क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफर होते हैं दोनों के दोनों ही जो टर्मिनोलॉजी है वो इसमें क्या डिफरेंशिएट होते हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो डिस्कस करते हैं. ओके, एंड आफ्टर हम दूसरे हमारे जो वीडियोस लेक्चर होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टैक्सोनॉमी के रिलेटेड होंगे, यानी कि हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं द टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स, उसके बाद आएगा टैक्सोनॉमिकल कीज. ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर. देन आफ्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज दैट क्लैडिस्टिक्स एंड फिनेटिक्स. ओके, उस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर ओनली फॉर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट द डिफरेंस बिटवीन द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. तो शुरू करते हैं हमारी आज के लेक्चर the difference between the taxonomy and systematics. The first topic hai taxonomy is a study or reference as a classification of organisms in biology. Okay, yani ki hum koi bhi organism hai उसका क्लासिफिकेशन हम अगर देखना चाहते हैं तो वो किस में हम देखेंगे, टैक्सोनॉमी में. ओके, तो हम देखना चाहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ कॉल्ड द रिफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन बायोलॉजी, इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमी. ओके, देन आफ्टर Just a minute.
ओके, तो हमने डिस्कस किया द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन बायोलॉजी, इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। फिर आगे देखते हैं हम सिस्टमैटिक्स के बारे में। द सिस्टमैटिक्स दे रिफर्स टू द स्टडी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, यानी कि हम सिस्टमैटिक्स में ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन भी देखते हैं और साथ ही साथ उसकी स्टडी भी करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसके रिलेशनशिप ऑफ द इवोल्यूशन। ओके, यानी कि उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसकी भी स्टडी होती है सिस्टमैटिक्स में। तो ये याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन की, अगर ओनली फॉर ओनली क्लासिफिकेशन की स्टडी पूछे तो हम करते हैं टैक्सोनॉमी में, और विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहे हैं तो वो हो जाता है सिस्टमैटिक्स। ओके, इसलिए तो अगर टैक्सोनॉमी, अगर हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स दोनों को साथ में ले लें, यानी कि हम क्लासिफिकेशन भी करें लेकिन इवोल्यूशन के साथ साथ उसके रिलेशनशिप को साथ में लेकर हुए करते हैं, तो वो बन जाता है सिस्टमैटिक बायोलॉजी। क्या बन जाता है? सिस्टमैटिक बायोलॉजी। ओके, ये याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सोनॉमी क्या कहलाता है। द टैक्सोनॉमी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स। ओके, टैक्सोनॉमी जो है वो एज अ ब्रांच है सिस्टमैटिक्स की, लेकिन सिस्टमैटिक्स क्या है? तो सिस्टमैटिक्स इज दैट द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, यानी कि वन ऑर्गेनिज्म क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, उसकी अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो सिस्टमैटिक्स में होती है। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट टैक्सोनॉमी इट इज़ इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन एंड द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, यानी कि अगर हमारी जो टैक्सोनॉमी है वो किससे इन्वॉल्व है, तो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन से और साथ ही साथ उसके नोमेनक्लेचर से वो इन्वॉल्व है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, मैं मान लूँ कि मैं एक ऑर्गेनिज्म लेती हूँ जिसका नाम है, हम फ्रॉग को एग्जाम्पल के तौर पर लें, फ्रॉग। ओके, फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन, विच इज क्लासिफाइड इनटू दैट फाइलम ऑफ दैट एम्फीबियन। ओके, और ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबिया, एम्फीबिया फाइलम में आता है ये फ्रॉग। उसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर हमें पता है कि राना टाइग्रीना। ओके, ये उसका क्या रहेगा? नोमेनक्लेचर। राना क्या है? इट इज कॉल्ड द जीनेरिक नेम। और टाइग्रीना क्या है? इज इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर उसे कहा जाता है स्पीसीज एपिथेट। ओके, स्पेसिफिक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फिर से आपको, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, ये होगा उसका नोमेनक्लेचर। ओके, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि उसका क्लास क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है, उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर फाइला से लेकर यानी कि किंगडम से लेकर अगर स्पीसीज तक जो भी हम उसके टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज वाइज जो हम स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। और अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर उसका नेम दे दे तो उसे कहा जाता है उसका नोमेनक्लेचर, विद द हेल्प ऑफ ICBN और ICZN की हेल्प से। थ्रू हम क्या देते हैं ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी प्लांट को? नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके, तो वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। ओनली फॉर ओनली हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया और नोमेनक्लेचर यानी कि उसकी नेमिंग की, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि फ्रॉग जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसके पास है। ओके, यानी कि फ्रॉग जो है वो आगे रेप्टाइल्स के या फिर बर्ड्स के साथ वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप उसकी होती है, वो हम स्टडी नहीं कर रहे, तो वो ओनली फॉर ओनली कहलाएगी टैक्सोनॉमी। ओके, तो ये याद रखिएगा।
But in systematics, this involved that classification as well as naming and cladistics and phylogenetics. Okay, तो cladistics यानी कि हम यहाँ पर evolutionary classification भी कर रहे हैं और साथ ही साथ phylogenetics की भी study करेंगे. Okay, the fourth point of that taxonomical difference is that taxonomy does not deal with evolutionary relationship of organisms. Okay, focus कीजिए this word. टैक्सोनॉमी जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ क्या है, जस्ट अ मिनट, टैक्सोनॉमी डज नॉट डील विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, वो ऑर्गेनिज्म के जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहते हैं उसके साथ वो डील नहीं करती, लेकिन अब हमारी जो सिस्टमेटिक्स है विच आर डील विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यानी कि हम बात करें, मैं आपको फॉर एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा. कि अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल फिशेस की, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्प्री जैसी जो फिश थी, ओके, यानी कि जो लेस फिशेस थी, ओके, उसके बाद आई कॉन्ड्रियोक्टिस एंड देन आफ्टर दैट ऑस्टियोक्टिस फिशेस. ओके, तो ऑस्टियोक्टिस फिशेस जो है वो हाईली डेवलप्ड है. ओके, हाईली डेवलप्ड फिशेस और जो हमारी एंसेस्टर थी यानी कि लैम्प्री जैसी जो भी फिशेस थी वो आगे थी, तो उसके साथ हमारी जो आने वाली या फिर हमारे जो इवेंट्स में चल रही है यहाँ पर जो फिशेस हमें आज में मॉडर्न कल्चर में मिल रही है, उस फिशेस की अगर हम बात करें यानी कि वेल या फिर शार्क की हम अगर हम बात करें, तो उसमें कुछ ने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो इवोल्यूशन के पहले वाली जो लैम्प्री थी यानी कि जो जोलेस फिशेस थी या फिर कोई भी ऐसी फिशेस जो अभी अभी क्या हो गई है, लुप्त हो चुकी है. ओके, यानी कि यहाँ पर उसे कोई भी उसकी स्पीसीज हमें दिखने को नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी वो वेल या फिर कोई शार्क या फिर कोई भी फिशेस है जो हाल में अभी हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रही है, वो कुछ ना कुछ फिशेस आगे इवोल्यूशन वाली स्पीसीज के साथ क्या रहेगी, उसका संबंध होगा होगा और होगा. ओके, जिसे कहा जाता है सिस्टमेटिक्स. ओके, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ओके, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है उसके कोई भी कैरेक्टर्स ना हो आने वाली या फिर गुजरी हुई कोई भी स्पीसीज के साथ उसके कोई भी कैरेक्टर्स मैच ना हो रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता. ओके, यानी कि हमारी ही बात कर लो तो हम भी होमो सेपियंस के थ्रू हमारा जो आगे इवोल्यूशन हुआ उसके हिसाब से हमारा जो फॉरहेड है, हमारा ब्रेन है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो पहले वाले जो होमो इरेक्टस जैसे ह्यूमंस थे उसमें भी देखा गया है. ओके, लेकिन यहाँ पर हम क्या है, मॉडर्न है. ओके, यानी कि एडेप्टिव हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक्स में. तो सिस्टमेटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का. ओके, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा. देन आफ्टर द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो है उसे फर्दर स्टडी करने के लिए चेंज की जाती है. ओके, यानी कि कोई कोई भी फेरफार हुआ, कोई भी चेंजेस हुआ, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक्स कांट चेंज फॉर फर्दर स्टडीज. ओके, हम इवोल्यूशन को चेंज नहीं कर सकते. इवोल्यूशन तो अपनी रिदम वाइज, अपनी टाइम वाइज वो क्या हो सकता है, एडेप्ट हो सकता है, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा. ओके, तो दिस इज अ होल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट टैक्सोनॉमी एंड द सिस्टमेटिक्स. आई होप लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. और अगर आप मेरी चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, तो आगे मैं आपको जो भी वीडियोस रखूँ
आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिफिकेशन मिल पाए. ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू.